सितंबर 14, 2021 सुबह 7:15 बजे छियोल में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अस्पताल में दुनिया के सबसे बड़ी ईसाई चर्च के संस्थापक वरिष्ठ पादरी डेविड योंगिचो का निधन हो गया। योइडो फुल गॉस्पल चर्च के संस्थापक योंगिचो 86 साल के थे। पिछले साल जुलाई में पादरी चो को मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था और उनका इलाज चल रहा था। पादरी चो की पत्नी डॉक्टर संघे का भी निधन इसी साल को हुआ था। कोरिया के चर्च का पुनरुद्धार और वैश्विक चर्च के विकास के लिए नेतृत्व दिया गया प्रोटेस्टेंट मिशनों का इतिहास में पादरी योंगिचो वो व्यक्ति हैं जिसने अपनी छाप छोड़ी है। 1970 और 1980 में योइडो फुल गॉस्पल चर्च तेजी से बढ़ रहा था। बाद में 7 लाख से अधिक सदस्यों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन गया था। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया। 18 तारीख को सुबह 8 बजे योइडो फुल गॉस्पल चर्च के भव्य अभयारण्य में अंतिम संस्कार किया जाएगा। चो का जन्म 14 फरवरी 1936 को ग्रामीण काउटी उलजू में हुआ था। उनके पिता एक दस्ताने और जुराब निर्माण कंपनी के मालिक थे, लेकिन चो के बचपन के दौरान यह दिवालिया हो गया, जिससे उन्हें दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अमेरिकी सैन्य ठिकाने के आसपास घूमने से अंग्रेजी सीखी और 15 साल की उम्र तक सैनिकों के लिए अनुवादक के रूप में काम करना शुरू किया। 17 साल की उम्र में उनका जीवन बदल गया जब तपेदिक ने उन्हें खून से लथपथ अस्पताल भेजा और भगवान पर उनकी अपनी समझ को वह पुनः विचार किया। एक बौद्ध के रूप में चो ने बाद में समझाया, उन्हें सिखाया गया था कि उन्हें कठिनाई के मध्य से बुद्ध बनने के लिए पीड़ित होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि मसीह यीशु ने एक विकल्प पेश किया है। ईसाइयों ने उससे कहा कि यीशु जीवित ईश्वर आपका मित्र, संरक्षक और अभी मार्गदर्शक है। एक युवती द्वारा उन्हें दी गई बाइबल पढ़ने के बाद चो ने ईसाई ईश्वर तक पहुंचने का फैसला किया। अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने अपने 2019 के डायरी में लिखा, मैंने उस ईश्वर को देखने का फैसला किया जिसे मैं नहीं जानता था। मैं चिल्लाया, परमेश्वर मैं जीना चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। जब उन्हें बाद में अस्पताल से रिहा कर दिया गया, तपेदिक से ठीक हो गए, उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी और एक चमत्कारी उपचार का दावा किया। 1956 में उन्होंने प्रभु का सेवक बनने की तैयारी करते हुए शियोल में फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज में भाग लेना शुरू किया।